लोहे पर चोट जब ही मारो जब गर्म है वो, ठंडे लोहे पे चोट मारने का फायदा नहीं। तो दोस्तों आज मैं मथुरा आउटलेट, यहाँ हमारे भाई आए हैं कौशल जी और बड़े भैया भी आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? बबलू जी। जी और आपका कौशल है जी? हाँ कौशल। और भैया जो है पिछले मतलब मैं 15-20 मिनट से भैया से जो है आर्गुमेंट मतलब बहस कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सप्लीमेंट मत लो, आपको जरूरत नहीं। और भैया क्या कह रहे हैं? सप्लीमेंट दो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ सप्लीमेंट दो, कुछ तो दो, कुछ तो दो। अरे यार मेरा सेल का गोल नहीं है, जब जरूरत नहीं है सप्लीमेंट की तो नहीं दूंगा। भैया देखो क्यों नहीं दे रहा मैं सप्लीमेंट, आप भी समझना। भैया जिम जाते हो? नहीं जाता। जिम नहीं जाते? और भैया कह रहे हैं बिना जिम जाए मैं अपनी मसल्स बढ़ाना चाहता हूँ। बिना जिम जाए, इन शॉर्ट बिना वेट उठाए, इन शॉर्ट बिना वेट ट्रेनिंग किए, इन शॉर्ट बिना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किए आपका मसल साइज नहीं बढ़ सकता। तो जब मसल साइज बढ़ेगा ही नहीं तो फिर सप्लीमेंट का फायदा क्या? भैया कह रहे भैया मैं घर पे पुशअप पुशअप कर लेता हूँ। तो मैंने कहा भाई फिर उसके लिए सप्लीमेंट क्यों ले रहे हो यार? उसके लिए तो अपना घर की डाइट मतलब 1-2 लीटर दूध ले लो, अंडे वंडे खा लो, हो जाएगा काम उसी में। इस चीज़ को समझें आप। अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आपको मसल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, टूटेगी वेट ट्रेनिंग से, और वो भी प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, बढ़ाते रहना है वजन। अगर आप सोच रहे हैं मैंने 10 का डंबल उठा लिया, 10 के डंबल से भाई एक बार मसल ब्रेकडाउन हो गया आपका, मतलब बॉडी क्या है कि 10 के डंबल लायक जितनी जो है उसको नीड है वो मसल को डेवलप कर लेगी उस लोड को झेलने लायक। पर अगर आपको और मसल डेवलप करनी है तो बॉडी को नीड फील कराओ, मतलब उसको 12 या 15 का डंबल उठवाओ। जब बॉडी को नीड फील होगी, लोड आएगा, तो वो और डेवलप करेगी मसल को। और यहाँ पर भैया एक ही जिद पर अड़े हुए हैं। और भैया कितने पैसे लेके आए हैं आप? 5-7 हज़ार रुपये लेके आए। 7,000 रुपये भैया लेके आए हैं। मैं कह रहा हूँ कि भैया नहीं है सप्लीमेंट, भैया कह रहे हैं सप्लीमेंट, फिर जिद पे अड़ रहे हैं भैया। तो यहाँ पर जो है बड़े भैया आए हुए, बड़े भैया से पूछता हूँ, बोलू भैया से, बोलू भैया हमारी सलाह कैसी लग रही है आपको? आपकी सलाह अच्छी है ये। और ये फिर कौशल क्या पीछे पड़ रहे हैं? कौशल जी पीछे पड़ रहे हैं, इसीलिए पीछे पड़ रहे हैं, देव इनको मैं तो दोबारा ना आना पड़े जी, दोबारा ना आना पड़े। भैया कहाँ से आए हो जी आप? गोवर्धन। गोवर्धन कितनी दूर है मथुरा आउटलेट से? 18 किलोमीटर। अरे 18 किलोमीटर ये रहा यार, 18 किलोमीटर आने में मात्र आधा घंटा लगता है। आधा घंटा 20 मिनट लगते हैं यार। 20 मिनट। और भैया कह रहे हैं भैया दे दो। और मैं कह रहा हूँ कि भैया अभी जरूरत नहीं है, मतलब 1 महीने जिम लगा लो फिर दे दूंगा। तो दोस्तों मैं आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सप्लीमेंट लो, पर जब जरूरत है उसकी तभी लो, वरना सप्लीमेंट मत लो, क्योंकि फिर उनसे आपको रिजल्ट आता नहीं है। फिर आप ये कहते हैं कि भैया रिजल्ट नहीं आया। और मेरा गोल ये है कि मैं आपको सप्लीमेंट तभी दूं जब आपको नीड हो, और जब नीड होगी वही वाली बात है ना, वो है ना एक बड़ा पॉपुलर डायलॉग है कि लोहे पर चोट जब ही मारो जब गर्म है वो, ठंडे लोहे पर चोट मारने का फायदा नहीं। तो सप्लीमेंट की नीड है तभी लो ताकि रिजल्ट आए और दिल खुश हो जाए। कौन कहता है कि ओरिजिनल सप्लीमेंट से रिजल्ट नहीं आते? आते हैं, पर दोस्तों उसको सही ढंग से यूज़ करना भी जरूरी है। तो यहाँ पर जब तक भाई जिम नहीं लगाएंगे तब तक सप्लीमेंट लेने का कोई फायदा नहीं है। तो आप ही मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं भैया को सप्लीमेंट जबरदस्ती दे दूं या ना दूं। आप बताओ भैया लोगे या ना लोगे? नहीं ले रहा, बाद में लूंगा। बाद में लेंगे, अब समझ आ गया। आप बताओ मैंने सही किया है नहीं किया, कमेंट करके जल्दी बताओ। और आप भी जुड़ जाओ सप्लीमेंट वाला परिवार से, क्योंकि सेल का गोल नहीं, मेरा गोल है परिवार का ख्याल रखना। आप समय मेरा परिवार और कानपुर आउटलेट जल्दी मिल रहे हैं हम।